वेलकम गाइस, ये वीडियो स्टॉप लॉसेस सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरह से स्टॉप लॉसेस को रखते हैं, प्लेस किस तरह से करते हैं लिक्विडिटी के कंसेप्ट पर। ऑलराइट, और इस कंसेप्चुअल वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टॉप लॉसेस को किस लेवल पर रखा जाए जहाँ से वो ट्रिगर ना हो। ठीक है, उसके पीछे टेक्निकल्स को देखेंगे। देखिए, अगर आप मार्केट में देखें तो कई तरह की चीज़ें हैं कि कोई इंडिकेटर्स को यूज़ करके स्टॉप लॉसेस को लगाते हैं, एटीआर का यूज़ करके। ठीक है, कोई एक इस तरह का मिथ है कि किसी भी एक पार्टिकुलर कोई एक स्विंग है, एक स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉसेस लगा लें, रीसेंट स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉसेस को लगा देना। तो आप देखते हैं कि मार्केट जैसे एक एक मोमेंटम, अगर आप यहाँ पर अगर इस लेवल पर अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं, मार्केट हिट कर देता है, फिर से वापस सेलिंग आ जाता है। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा तकलीफ भी होती है इस चीज़ में, क्योंकि लॉस होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कहाँ पर स्टॉप लॉसेस को रखा जाए, किस तरह से स्टॉप लॉसेस का यूज़ किया जाए तो वो ट्रिगर ना हो। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आप किसी ट्रेंड को राइड करते हैं, जैसे आप मान लो कोई भी एक ट्रेंड है, इस तरह से अगर कोई डाउन ट्रेंड है और आप स्टॉप लॉसेस को रीसेंट स्विंग पर यहाँ लगा देते हो, फिर मार्केट क्या करता है, वापस ऊपर आता है और इस तरह से एसएल आपका हिट करके उसके बाद ये मोमेंटम शुरू करता है। तो ये एसएल हिट हो गया। तो ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि जैसे मान लो कि इस तरीके से आपने ये आइडेंटिफाई किया कि देखिए, कोई भी बड़ा प्लेयर ही कोई एक ट्रेंड को इनिशिएट करेगा, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ठीक है डाउन ट्रेंड है, और उसके बाद अगर आप देखते हैं कि ठीक है मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ है, और आप एक प्रिसिजन स्टॉप लॉस, देखिए प्रिसिजन स्टॉप लॉस एक कंसेप्ट है जो कोर्स में हम लोग ये चीज़ बताते हैं कि उस स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं होगा वो चीज़, वो कभी हिट, उसके पीछे कई सारे लॉजिक्स होते हैं। तो आप एक सही जगह लगाओगे तो मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है, लेकिन इस एरिया को हिट नहीं करेगा और वापस फिर ट्रेंड रिज्यूम करेगा। तो वही कुछ एग्जांपल्स, कुछ मैं ट्रेड्स आपके साथ शेयर करूंगा, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से उन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। फर्स्ट हम लोग एक्सिस बैंक के ऊपर आते हैं। अब आप देखिए, रीसेंट एग्जांपल है ये। अब आप देखिए कि मार्केट में अगर आप देखें कि अभी किस लेवल पर हैं हम लोग, मतलब ट्रेंड कौन सा है, तो क्लियर है मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर के ट्रेंड में है, और ये एक बायर्स का मार्केट है। ठीक है, अब इस बायर्स के मार्केट में आप देखिए कि यहाँ पर किसी भी तरीके से आप इस जिस लेवल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप वहाँ पर देखिए, इस एरिया में आप ये डिसीजन लेते हैं, इस एरिया में आप ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं कि ठीक है इस लेवल पर एक ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट किस तरफ हुआ है, ऊपर की तरफ, यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद इस लेवल पर क्या हो रहा है, तो आप देखिए कि यहाँ पर सेलिंग नहीं हो रही है, इसे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग वो कर रहे हैं अगर इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने यहाँ से एक बाई की पोजिशन बनाई है, वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है, अब ये प्रॉफिट बुकिंग जो हो रही है, इसके बाद अगर आप देखें कि इस लेवल से ब्रेकआउट आया था, अब किसी भी एक यहाँ पर आपको दिखता है कि आप किसी भी स्ट्रेटजी या फिर किसी भी एक कंक्लूजन पर इस आते हैं कि आप यहाँ पर एक सेल डिसीजन लेते हैं इस एरिया में। ठीक है, तो आप जब इस एरिया में सेल लेते हैं तो आपके टारगेट्स कहाँ हैं, आपके टारगेट्स जहाँ से बायर्स ऊपर आ रहे हैं इस एरिया में, ये वाला पॉइंट, चलिए इसे हम लोग मार्क कर देते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, ये हम लोगों ने इसे मार्क कर दिया। तो ये जो ब्लैक पॉइंट है, ये हम लोगों का क्या है, एक टारगेट है।
अब आप देखिए कि इस एग्रेसिव बायर, यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है, यहाँ से सेलर्स का इंटेंट आपको दिखता है कि ठीक है यहाँ से सेलिंग आ रही है। इस सेलिंग के बाद अगर आप देखें तो मार्केट में फिर से इस लेवल पर एक सेलिंग आती है और ये 1 आवर की कैंडल है आप देखें, तो यहाँ पर वो चीज़ कंफर्म होती है कि इस बायर को काफ़ी अच्छे से इस सेलर ने चैलेंज किया और इसको ब्रेक डाउन दिया है। अब अगर आप यहाँ पर सेल डिसीजन लेते हैं तो स्टॉप लॉसेस आप कहाँ पर रखते हैं, इस लेवल के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद की मूवमेंट देखिए, यहाँ पर फिर से एक आपको ग्रीन कैंडल, ये शूटिंग स्टार, कोई यहाँ पर पोजीशंस भी ऐड करेगा, लेकिन देखिए उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक अपसाइड मोमेंटम, ठीक है, यहाँ वाले स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं। और उसके बाद जब ये स्टॉप लॉसेस पूरी तरह ट्रिगर हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये एक मोमेंटम मिलता है और आपको वही टारगेट, इस लेवल पर आपके टारगेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब सिंस ये एक बायर का, हम लोग पहले से ही हम लोगों ने देखा है कि हम लोग कहाँ हैं, एक बायर्स मार्केट में है। बायर्स मार्केट में यहाँ पर एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है और हम लोग जैसे ही लोअर एंड पे आएंगे, आप एनी हाउ इस लेवल पर आपको एग्जिट हो जाना है। जैसे मान लो कि इस लेवल पर भी अगर आप सेल लेते तो आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होते हैं, अगर आप देखेंगे 974 पर अगर आप एंट्री ले रहे हैं, आपने क्या किया, यहाँ पर एसएल को रखा 981 पर, 80 पे, ठीक है, 980। तो इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 6 पॉइंट का रिस्क है। और रिवॉर्ड अगर आप देखें कहाँ पर है, देखिए एक एक चीज़, एक रूल मैं आपको बताता हूँ, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि कभी भी स्टॉप लॉसेस को स्टैंड अलोन नहीं देखना है। स्टॉप लॉसेस प्लस एंट्री प्लस टारगेट इक्वल्स टू 1 ट्रेड, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी स्टॉप लॉसेस को इस तरीके से नहीं देखना है कि आप पहले एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद आप ऐसे सोचते हैं कि ठीक है स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाया जाए। एंट्री लेने से पहले, एंट्री लेने से हमेशा पहले स्टॉप लॉसेस के बारे में देखना है और टारगेट के बारे में देखना है। ऐसा नहीं कि आप पहले एंट्री ले लो उसके बाद आप देख रहे हो कि स्टॉप लॉसेस है, नहीं, वो एक गलत अप्रोच है। अब अगर आप देखें कि यहाँ पर अगर आप यहाँ सेलिंग लेते हैं, 8 पॉइंट का रिस्क है, आप रिवॉर्ड देखें 973 तो 663, तो ऑलमोस्ट 1:1, ठीक है, लेकिन आप देखिए ट्रेड परफॉर्म नहीं करता है। तो अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हैं तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन आप देखिए कि स्टॉप लॉसेज हिट। तो स्टॉप लॉसेज हिट क्या हुआ कि हम लोगों की जो अप्रोच थी वो गलत थी, कि यहाँ पर एक रिसेंट स्विंग पर लगाना। देखिए यहाँ पर जो प्रिसीजन वाले स्टॉप लॉसेज है ना, इस लेवल के ऊपर लगेंगे। आप यहाँ पर भी सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एंट्री कहाँ होनी चाहिए, अगर आप देखो कि इस एरिया में जब यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ये जो एक रेंज का बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पर ऑर्डर्स पंच हो रहा है, ठीक है, और इस एरिया में स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आप कहीं यहाँ पर 50, ये 1 आवर का चार्ट है, 50 मिनट्स पे आपको एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ भी ट्रेड करोगे तो यहाँ स्टॉप लॉसेस नहीं होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होगा। तो आप अगर यहाँ पर भी अगर सेल कर रहे हो तो भी स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, और अगर आप इस एक सही लेवल अगर आप वेट करते हो, मार्केट ऊपर आएगा, क्योंकि अगर एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है ऊपर के लेवल, तो इस लेवल को वो हिट नहीं करेगा। और यहाँ से एक जब आप सेल लेते हो तो आपके रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छे हो जाते हैं। तो इस लेवल पर एसएल का होना यहाँ भी गलत है, एसएल सिर्फ यही होना चाहिए, ठीक है। और इसके पीछे जो रीजंस होते हैं वो जो मैंने कोर्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं काफ़ी अच्छे से, कि एक प्रिसिजन स्टॉप लॉसेस कैसे लगाया जा सकते हैं, और इस चीज़ को चैलेंज करना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि देखिए सेलर यही है, अगर ये जो सेलर है ना इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करेगा, ये जो पूरा एरिया है ना इस एरिया को ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, और उसके बाद मोमेंटम ये मिलता है और आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो ये बायर्स का एरिया है, वापस फिर यहाँ से बाइंग रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आपको देखना होता है। तो
टारगेट जो हमेशा होते हैं वो भी फिक्स होने चाहिए, स्टॉप लॉसेस भी फिक्स होने चाहिए। इंट्रीज के लिए हमेशा जहाँ भी आपको रेंज आइडेंटिफिकेशन करें, अपर एंड पर लेंगे ज़्यादा सेफ होंगे। ठीक है, ये एक्सिस बैंक का था। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हिंडेल्को का। देखिए यहाँ भी अगर आप देखें, एक बायर्स मार्केट, मार्केट अप ट्रेंड में है। इस लेवल से सेलिंग क्यों आ रही है, इसके पीछे भी रीजंस हैं। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, 1 डे के चार्ट पर, ठीक है, तो इस एरिया से सेलिंग क्यों आ रही है, यहाँ पर जो सेलिंग, यहाँ पर हम लोग एक सेल ट्रेड क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे रीज़न इस पूरे एरिया में दिखता है। ठीक है, और ये एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पर आप 100% श्योर हो सकते हो कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो जाएगा, इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। और यही एक चीज़ है प्रोप्राइटी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप इस वाले मूव को ऐसे कैप्चर कर सकते हो। इसमें मैंने ट्रेड भी लिया था, मैं आपको दिखाता भी हूँ। अभी हम लोग अपने कंसेप्ट पर आते हैं। तो देखिए, इस एरिया ने से हम लोगों ने एक डिसीज़न लिया कि ठीक है, सेल करना है। अब देखिए, इतना एग्रेसिव बायर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट आता है इस लेवल पर, यहाँ एक रेसिस्टेंस था, इस लेवल पर एक रेसिस्टेंस था, यहाँ एक रेसिस्टेंस था, ये एक एग्रेसिव बायर है। इसके बाद एक ये सेल ट्रेड है। ठीक है, सेल ट्रेड कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक सेलिंग होती है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी सेल के। आप देखिए, इस लेवल पर मैं नहीं ले पाया था क्योंकि यहाँ पर डे की क्लोजिंग हो गई और यहाँ पर मुझे कन्फर्मेशन भी नहीं थी, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। अब आप देखिए कि स्टॉप लॉसेस को कहाँ रखना चाहिए था, क्या एग्जैक्टली मैं यहाँ पर अगर रखूँगा तो SL हिट होता क्या। देखिए, मार्केट एक मूव करता है नीचे के लेवल पर, और यहाँ पर अगर आप पोजिशनली सेल कर रहे हैं, मतलब ये एक स्विंग ट्रेड था 3-4 दिनों का, आप देखिए इस लेवल से कैसे बाइंग आती है एक, और यहाँ से बाइंग आनी भी चाहिए क्योंकि अगर आप यहाँ से सेल करते हो, अगर स्टॉप लॉसेज अगर आप यहाँ का रखते हो, तो आपको हमें इस लेवल पर एग्जिट कर जाना है। ठीक है, नहीं तो अगर आपको स्टॉप लॉसेज को अगर रखना है, तो आपको किस लेवल पर रखना होगा, आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं 450 इस एरिया में रख, क्योंकि इस सेलर को पहचानना होगा कि यहाँ पर देखिए ये हिडन है, यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ है वो हिडन है। जब आप कोर्स देखोगे, या फिर देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब वो एक प्रोफेशनल प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग ले लेते हैं, उसके बाद वो इन चीज़ों को समझने लगते हैं कि ठीक है, जो चीज़ें नहीं दिखती है उनकी पावर कितनी होती है। यहाँ पर आपको पावर नहीं दिख रही है सेलिंग की, लेकिन आप देखोगे कि मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पर एग्रेसिव बायर है, फिर भी सेलिंग आपको दिख रही है और सेलिंग हो रहा है, और यहाँ पर आपको जाके पता चलता है कि ठीक है, सेलर्स की पावर कितनी है। तो इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करने लगते हो जब आप एक प्रोफेशनल तरीके से, एक कोर्स के बाद जब आप कुछ और एक्सपीरियंस होता है मार्केट में, तब आप इन चीज़ों को पहचानने लगते हो। वापस हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। इस लेवल पर सेलिंग अगर आप करते हो, तो आप स्टॉप लॉसेस को कहाँ पर रखोगे। अगर यहाँ पे रखोगे तो भी हिट होगा, अगर यहाँ रखोगे तो भी हिट होगा, किस एरिया में रखना होगा। देखिए, ये जो सेलर है ना, ये मैंने जैसा बताया कि इस पूरे एरिया को होल्ड करके रखा, ठीक है, वो आने ही नहीं देगा इस एरिया को, और आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पर, मार्केट कितनी भी कोशिश कर ले इसको टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको टच नहीं कर पाएगा। और उसके बाद देखिए कि अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो, आपके टारगेट्स कहाँ होने थे, अगर आप इस चार्ट पर देखो नीचे इस लेवल पर, ठीक है। अब आप देखिए कि आप जब यहाँ पर एंट्री लेते हो, फिर आप देखो कि एक 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 अपवर्ड मोमेंटम आता है, लेकिन ये जो बायर है वो इस चीज़ को ब्रेक नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक प्रिसिजन स्टॉप लॉस, और ये चीज़ें हिडन है कि इतने स्ट्रेंथ से ये मार्केट को रोक के रखा है। उसके बाद जब सेलिंग आती है, तो देखिए यहाँ तक आपको सेलिंग पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बाद देखिए एग्रेसिव मोमेंटम और जो डिज़ायर्ड टारगेट्स थे इस लेवल तक,
फिर आप जब इंट्रीज इसमें देखोगे कि इसके रिस्क रिवॉर्ड कितने होते हैं। मान लो कि अगर आप यहाँ पर भी इंट्री लेते हो, ठीक है, आप इस ट्रेड को देखो, ठीक है, एग्जिट कहाँ हो गए, 400 के लेवल पर, ठीक है। ये अब आप इसके रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करो, 1:4.4, ठीक है, 4.4 इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड होते हैं। इस पूरे ट्रेंड को में स्टॉप लॉसेस की देखिए इंपॉर्टेंस कितनी है, वही चीज मैं आपको बता रहा था कि स्टॉप लॉस को हमेशा लगाने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स को देखने होते हैं। कभी भी ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है कि ठीक है कोई इंडिकेटर्स बेस्ड लगा लो, किसी स्विंग के ऊपर लगा लो, या फिर इतने रुपए का 400 का स्टॉक है, 1% हम लोगों ने ले लिया कि 1% के ऊपर स्टॉक, ये सब चीज़ें काम नहीं आती। आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स देखने पड़ते हैं। स्ट्रक्चर्स मतलब मैं पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन में पैटर्न की बिल्कुल भी जगह नहीं है। आप ऐसा भी नहीं है कि देखिए यहाँ पर मैं अगर सेल ले रहा हूँ, कई कई बार ये क्वेश्चंस होते हैं कि सर आप यहाँ पर एक सेल ट्रेड ले रहे हो इस लेवल पर, क्या मुझे कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिखे कि यहाँ पर सेल ट्रेड लूँ तो फिर वो क्या वर्कआउट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि देखिए जितने भी चार्ट्स होंगे सब पे अलग अलग तरीके से एनालिसिस होगी, अलग हर एक चार्ट अलग एक चीज़ कहता है और उसमें उसका तरीका भी अलग होगा। इसमें कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये चीज़ें एडवांस कोर्स में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि एक स्टॉक के मूवमेंट के लिए सिर्फ वो एक स्टॉक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके साथ कई चार पांच एलिमेंट्स हैं। जब आप उन चीज़ों को देखते हो तब आपको पता चलता है कि स्टॉक की मूवमेंट होगी तो कितनी बड़ी होगी। अगर ये मूव आपको दिख रहा है कितनी बड़ी सेलिंग है तो ये क्यों है, इसके पीछे रीजंस आपको पहले पता होते हैं और फिर आप इस मूवमेंट को कैप्चर करते हो, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस को फिर से मैं ये रिकैप कर देता हूँ, स्टॉप लॉसेस लगाने के लिए एक प्रिसिजन स्टॉप लॉस पॉइंट होना चाहिए, उसके पीछे रीजंस जो मैंने आपको बताया, और इसमें कभी भी कोई ऐसा रूल्स नहीं होता है कि स्विंग के आप ऊपर लगा लो, रिसेंट स्विंग के ऊपर लगा लो, ठीक है, आप उसमें परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, कोई इंडिकेटर्स दे दो, उन सब सारी चीज़ों से डिपेंड नहीं करती हैं। सिर्फ डिपेंड करती है प्राइस एक्शन एनालिसिस के बाद आप एक प्रॉपर, अगर आप कुछ लॉजिक्स देखते हो उसके बाद स्टॉप लॉस लगाते हो, वो स्टॉप लॉस से आपको काम करते हैं, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट जो वीडियो है इसका, जो नेक्स्ट सीरीज है स्टॉप लॉस वाले, इसके सेकेंड पार्ट में मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा कि रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से उसे यूज़ किया जाता है स्टॉप लॉसेस में, उसके पीछे क्या एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से हम लोग एक एक स्टॉप लॉसेस में उस चीज़ को कैलकुलेट करके उन चीज़ों पर एक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से मेरे मेंटर ने मुझे बताया था वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ऑल राइट, देखिए अगर आप प्राइस एक्शन कोर्स, इस तरह के एनालिसिस, इस तरह के ट्रेड्स, इन सब सारी चीज़ों में सीखने में इंटरेस्टेड हैं, डू लेट मी नो, माई डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। ऑल राइट, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।